जो है आफ्टर दैट आपने प्रेस किया एंटर तो ये आपकी वर्किंग स्क्रीन आएगी, उसमें ये दिखा रहा है प्रोग्राम ए, तो प्रोग्राम भी आपका बास्केट ए पे ही रन होगा, प्रोग्राम भी आपका बास्केट बी पे रन होगा। ये बास्केट ए का टेम्परेचर सेंसर है, टी ए दिखा रहा है ऐसे ये टेम्परेचर भी बास्केट बी के लिए है, ये दिखा रहा है इन दोनों की पोजिशन आन की आइडल है, ये आपका बार टेम्परेचर दिखा रहा है, ये आपको टाइम डिनोट कर रहा है, ठीक है। आपको जो भी मीडिया का टेम्परेचर, यहाँ आप टेम्परेचर पे गए, जो भी आपको मीडिया टेम्परेचर सेट करना रहेगा, मीडिया टेम्परेचर का मतलब है जो आपके बीकर के अंदर रहेगा मीडिया, तो उसकी लिमिट है आपकी 20 से लेके 50 के बीच में। देन आपने जो भी वैल्यू पुट किया, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं या सेम रखना चाहते हैं आ जाएगा, देन आप प्रेस एंटर करेंगे तो फिर आपसे बात का टेम्परेचर पूछेगा, वो रहेगा 37 से 55, तो अभी हमने 38.5 डाला है, ठीक है। ये आपको यहाँ सेट हो गया। अब हम मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू में चार ऑप्शन है आपके, प्रोग्राम, प्रिंट, डिस्प्ले, अदर। तो आपको प्रिंटर आप इसमें कनेक्ट नहीं कर रहे तो प्रिंट में आपको जाना नहीं है, डिस्प्ले में जो भी रिजल्ट आए करेगा वो दिखा करेगा, जैसे लास्ट रन का ये डिस्प्ले रिजल्ट वहाँ जहाँ भी लैब में टेस्ट किया वो वहाँ का है। प्रोग्राम में गए तो हम जाते हैं प्रोग्राम में, प्रोग्राम में गए फर्स्ट में, तो आपको फिर चार ऑप्शन शो हुए, उसमें आपको फर्स्ट में जाना है ऐड में, तो ये आपको दिखाएगा 1 से लेके 20 प्रोग्राम आप इसमें बना सकते हैं। तो हम फर्स्ट में गए, देन एंटर प्रेस किया तो ये बना हुआ है प्रोग्राम एमडी। अगर सपोज डेट हमें एक स्टेप बैक जाना है तो हमने बैक दबाया। अब हम टू पर प्रोग्राम बनाते हैं, कोई ऐसे देखिए मेरे पर टिपिकल एरर होगी तो ये मैंने सी दबा दिया, क्लियर हो जाएगा। टू प्रेस किया, देन एंटर किया, ये प्रोग्राम अभी बना नहीं है तो देखिए ब्लैंक हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है। देन ये नोकिया की बटन की तरह काम करता है, फर्स्ट प्रेस में ए, देन दो बार प्रेस किया बी, थर्ड में सी, देन वन, ये जो भी एक्स वाई जेड सैंपल नेम रहेगा वो डलवाया, देन एंटर किया। यूएसपी ए या बी, तो ये भी आपकी यूएसपी ए का है, यूएसपी बी का जो मैं आपको बता रहा था ऑपरेटर वो 3 उसका आएगा, तो अभी हमने फर्स्ट सेलेक्ट किया। देन आपसे पूछेगा मैच साइज क्या, तो इसका मैच साइज आपका 10, तो हमने ये जो आपकी नीचे वाली जाली है इसको भी एक डिनोट किया जाता है, तो ये 10 है अभी आपका, तो 10 आपने किया, देन एंटर प्रेस किया। आपका टाइमर या इंडिविजुअल, अभी आप इंडिविजुअल ऑपरेट नहीं कर सकते, इंडिविजुअल में क्या रहता है एक्सटर्नल वो लग जाता है कीपैड, उससे आप देखते कि 6 नंबर का 1 मिनट पहले आ गए, तो इतना आप लोगों पर वो नहीं है, माइनर डीटी रहेंगे, तो वो टाइमर पर डिपेंड है, आपको टाइमर में जाना है। देन उसके बाद वो पूछेगा बफर चेंज करना चाहते हैं बीच में, ये नहीं तो ये नो रहेगा, जो भी आपका बफर का नाम रहेगा वो यहाँ वाटर डाल दीजिए सपोज डेट। फिर आपसे ये पूछेगा कितने टाइम की डीटी लगानी है, तो मिनिमम 1 मिनट है, हाईएस्ट 99 आवर्स है, तो जो भी आपको टाइम रखना रहेगा 00 आवर्स। पाँच मिनट की हमने डीटी लगा दी, ठीक है, ये आपका प्रोग्राम नंबर 2 स्टोर हो गया। देन हमने बैक किया, देखिए अगर हम मैं एक बार प्रेस कर रहा हूँ तो एक स्टेप पीछे जा रहा हूँ, एस्केप कर देंगे तो डायरेक्ट हम मेन विंडो पर आ जाएंगे। अभी हमारा जो टेम्परेचर है बात का 37 अटेंड कर लिया, तो जाना कितना है 38.5। अभी हम जाते हैं प्रोग्राम ए चलाना है हमें ये वाला, तो हम बास्केट ए पे गए, ब्लिंक आ गया, हमने 2 नंबर प्रोग्राम सेलेक्ट किया, देन एंटर कर दिया। दोनों साथ में भी रन हो सकते हैं? हाँ साथ में भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल अलग, इस पर आपने कोई अलग इंटरवल टाइम इंटरवल की डीटी लगा दी, इस पर लगा, जैसे अभी ये पहले चल गई, हाँ एग्जैक्टली, आपने सेकंड पर गए तो कोई दूसरे स्टूडेंट ने आपकी, अभी हमने 1 नंबर प्रोग्राम चलाते, प्रोग्राम भी अलग चला सकते हैं, अभी मैंने 2 नंबर इसमें चलाया, सेम प्रोग्राम भी चला सकते हैं, अलग अलग प्रोग्राम भी चला सकते हैं। अभी अभी आपको ये रेडी का साइन देने लग गया, क्यों देने लग गया, क्योंकि ये वाले टेम्परेचर सेंसर हमने तीनों एक ही पानी में, तो उसने डिटेक्ट किया तीनों का टेम्परेचर एक है, तो उसने रेडी दे दिया। अगर सपोज डेट हम यहाँ लगाते हैं तो ओरिजिनली इसका जो इस बीकर में टेम्परेचर रहेगा वो अभी देखिए 33 पहुँच पाया, नॉट रेडी दिखा दिए, वो 2 डिग्री की यूएसपी की लिमिट है, वो उसके क्राइटेरिया में आएगा तो वो ऑन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। देखिए ये अभी रेडी कह रहा है, जैसे अभी समझिए ये आपका सेंसर नहीं था और मैंने मुझे बास्केट ए को रेडी करना है, तो मैंने बास्केट बी दबा दिया, ये ऊपर आएगा, हमने टैबलेट आपको लोड की, ये आपके फ्यूज थे,
एक में डाल ही देते हैं ना वो वाली टैबलेट, ये वाली डाल दें। जैसे अभी हमें बीच में भी रोकना है तो देखिए सारी टैबलेट्स बाहर आ रही हैं, हम उल्टी डलेंगे, वो उसका सेट नहीं हुआ, ये कवर उल्टी ना उल्टा डाल दे। इसके अंदर पड़े हैं ये एक ऑलरेडी इसका ये तो डिसइंटीग्रेट हो ही गई है, जाते ही डिसइंटीग्रेट हो गई है, पानी में तो घुल ही जाएगी। नहीं नहीं, इसलिए देखिए बीच में अगर सपोज डेट आपको पॉज करना है तो रिज्यूम भी हो जाता है, अब दोबारा ऑन करना है तो ये दोबारा नीचे जाता है। नहीं, डिसइंटीग्रेट बड़ी जल्दी हो जाती है, इसलिए तुरंत ऊपर पैक करके, वो है ना ये आपकी आयुर्वेदिक है ना, पानी कितना पानी कितना भरा आपने भीतर में? ज्यादा है ना वो, ये नहीं, ये वाला अभी पानी कम रहना चाहिए। नहीं मैम, वैसे भी डिजॉल्व हो जाती है नीचे, बीकर में पानी, बीकर में पानी का लेवल भी तो देखो, हां ये 900 ml ज्यादा, मुझे तो ज्यादा लग रहा है, जब भी तो बाद में करते हैं यहां तक आ जाता है, जब भी तो वो इतना डिप हो जाता है इसलिए बाद में करते हैं, पूरा डिप तो होता ही है। सर ये आयुर्वेदिक टैबलेट है, कोई बेसिक नहीं, नहीं वो नहीं टैबलेट बाहर, आपने पानी भी थोड़ा ज्यादा, पानी भी ज्यादा, कैसे भी पानी भी ज्यादा, वो पानी अंदर जा ही नहीं सकता ना, सही कह रहा हूं, वैसे भी दिक्कत है, एक्सलेट होते भी नहीं। नहीं नहीं, एक ग्लास है जर्मन का, नहीं 800 की मार्किंग होगी, ये 900 की होगी ना, 900 है, वो ज्यादा हो गया, पर मार्किंग में बोल 900 ही है ना, 7 एक ग्लास जर्मन के हैं, लास्ट में 900 है, 900 इसमें हम टेम्परेचर सेंसर वाला जो आप कह रहे हो लगा, पानी कम क्या वो ठीक चल रहा है, जल्दी हो जा रहा है, 5 मिनट भी नहीं है इसका डिसइंटीग्रेशन का, ओके मैडम। देखिए अभी रेडी हो गया, मुझे लोड करना है ए में, बास्केट ए में लोड करूँगा, उसका भी मैम मेजरमेंट है अगर आप कहें, वैसे जैसे कोई स्टूडेंट है तो देखिए कैलिब्रेशन की स्केटर जो मिनिमम, जैसे यूएसबी का क्राइटेरिया ये 25 डिप नहीं होना चाहिए, स्ट्रोक आपका 55 होना चाहिए, वो सब एग्जैक्ट रहेगा। और जैसे आप कह रहे थे ना कि आप इसका मैनुअल भी देंगे ना, मैनुअल मैम मैं दूंगा, ये दिखा दो यूएसबी वाला जो है अटैचमेंट, ये वाला मैंने नहीं, यूएसबी वाला जो अटैचमेंट है, आप इसकी वन ईयर से वो
लेंथ करेंगे 25 mm आई। इसको डाल के दिखाइए, अभी देखिए मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ तो वो स्टार्ट नहीं हो रहा क्योंकि नॉट रेडी है ना। ये आपको दिखा रहा है बास्केट ए की आपकी डी टी 1:17 आपको चेंज करना रहेगा सिंपली राउंड करके। टाइटो की तरह आपको फिर रिज्यूम करना है। इसको टच करना चाहिए, बाकी ये वाली लेंथ भी आपकी अगर स्केल से आप मेजर करेंगे तो 55 mm आएगा स्ट्रोक का मूवमेंट। देखिए आपका वैसे तो 5 मिनट की डीटी थी, सपोज डेट आपने देखा डिसइंटीग्रेट हो गई ये आपकी 3 मिनट के अंदर ही टेबलेट, तो आपको 5 मिनट नहीं चलाना है। तो बास्केट को अगर आप लॉक करेंगे तो रन एंड हो जाएगा ऑटोमेटिक, वही ऊपर आएगा आफ्टर डेथ ये वाला रन चलता रहेगा। आपने देखा उसमें नहीं है, नहीं तो 5 मिनट तक चलेगा ऑटोमेटिक, 5 मिनट बाद वो डिवो हो जाएगा बंद हो जाएगा। अगर आपको पहले ही पता चल गया कि ख़त्म हो गया तो आपने दोनों एंड किए, फिर बास्केट एक ही जो भी टेबलेट का बैच नंबर रहेगा वो आपने यहाँ टाइप किया कीपैड से, देन बास्केट बी का और सेव कर दिया। अब आपको ये डाटा देखना है कहाँ सेव हुआ, तो आप मेन्यू में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में देन आपको इनिशियल टेम्परेचर ये था और आपके ख़त्म होने के टाइम पे ये था, पर टाइम जल्दी है 00 पे ये टेम्परेचर था, इतने पे डिसइंटीग्रेट हुआ। उस टाइम पे आप एक चलाइए दोनों चलाइए अलग अलग प्रोग्राम चला सकते हैं आप, जैसे अभी मैंने इसको पहले खत्म कर दिया बट मैं उसमें बैच नंबर नहीं डाल पाया था जब तक मैंने दूसरे को एंड नहीं किया। आप लोगों को ही करना।